बच्चों, अब हम टॉमस ग्रे की जो ये एलिजी है इसका 8th स्टैंजा डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टैंजा एंड दीज आर वेरी मीनिंगफुल लाइन्स। दो दीज लाइन्स आर नॉट इन योर सिलेबस फॉर एक्सप्लेनेशन, बट दे आर वेरी गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग द, वी कैन से, द जिस्ट ऑफ द पोएम लाइज इन इट। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं इन पोएम की और इनको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब इस कविता में जैसा आपने अभी पढ़ा कि कवि जो है ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सिंपल बट हार्ड लाइफ ऑफ द दीज डेड विलेजर्स, द रूड फोर फादर्स ऑफ द विलेजर्स एंड देयर सिंपल लाइफ, जो अब मृत हो चुके हैं और अब ये जो चर्च यार्ड में कब्रिस्तान में हु आर लाइंग बरीड, जो अब मृत हैं और वो बरीड हैं, उनको दफन कर दिया गया है। लेकिन उनका जीवन कैसा था ये हमने अभी पिछले स्टैंजाज में डिस्कस किया। उन्होंने कितनी मेहनत की अपने परिवार के लिए, बहुत मेहनत की, और पर उनकी उनका जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल था। तो अक्सर क्या होता है कि जो अब ये इस कविता में, इस पोएम में, द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द लाइफ्स ऑफ द फार्मर्स, द लेबरर्स, द हंटर्स, द वेरी ऑर्डिनरी पीपल ऑफ सोसाइटी, जिनको बहुत ही साधारण माना जाता है, उनके जीवन के बारे में इस कविता में द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट एंड ही इज़ पोर्ट्रेइंग देयर लाइफ। उनके जीवन के बारे में बात की है टॉमस ग्रे ने। अब क्या है कि होता क्या है नॉर्मली, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, हु आर माइटी एंड रिच, हु आर पावरफुल, वो ये सोचते हैं कि ये क्या है, मतलब किसान क्या है या मजदूर क्या है, दे आर जस्ट ऑर्डिनरी पीपल, ये क्या कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी के लिए, कुछ भी नहीं। हम बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, ये क्या कर सकते हैं। तो जनरली दीज पीपल आर कंसिडर्ड वेरी इनसिग्निफिकेंट, उनको बहुत महत्वहीन समझा जाता है, कुछ महत्व उनका नहीं माना जाता, कि ये उनको ये माना जाता है कि ये क्या है, ये दे आर नथिंग बिफोर अस। तो यहाँ पर इन लाइन्स में टॉमस ग्रे जो है वो कह रहे हैं, ही सेइंग दैट इन दीज पीपल शुड नॉट बी मॉक्ड अप ऑफ, इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। पहली लाइन है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। पर्सोनिफिकेशन है एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा। अब उसको उन्होंने एक पर्सन का रूप दे दिया है, ये आप मार्क कीजिएगा यहाँ पर, ये पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड हेयर। तो लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, यानी वो लोग जिन्हें अपने जीवन में हु हैव अचीव्ड समथिंग इम्पॉर्टेंट, दे कंसिडर देमसेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड दे थिंक दैट द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दिस विलेज हु आर नाउ डेड हैव डन नथिंग सिग्निफिकेंट इन देयर लाइफ, उन्होंने अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया है, तो उनको उनका मजाक, लेट नॉट एम्बिशन मॉक, मॉक मीन्स मजाक बनाना, दे शुड नॉट मॉक देयर यूजफुल टॉयल। देयर आया है यहाँ जो डेड विलेजर्स हैं, डेड फोर फादर्स ऑफ द विलेजर्स, उनके जो मृत पूर्वज हैं उनके बारे में जिनकी बात हो रही है, यूजफुल टॉयल, उनका जो टॉयल कहते हैं हार्डवर्क, तो यूजफुल उनका जो ये परिश्रम था, इट वॉज़ वेरी यूजफुल, वो उन्होंने बहुत काम किया समाज के लिए और लोगों के लिए, कंट्री के लिए। अगर इफ़ द फार्मर डज़ नॉट ग्रो ग्रेन्स, वॉट विल द अदर ईट। लोगों को लगता है कि अगर कोई किंग है, क्वीन है, दे आर डूइंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इफ़ द फार्मर्स विल नॉट ग्रो एनीथिंग, हाउ वॉट विल ऑल ऑफ अस ईट, हम सब खाएंगे क्या। तो उनका जो यूजफुल टॉयल, जो परिश्रम था, उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। दे आर होमली जॉयस, और उनका जीवन कैसा था, उनकी खुशियाँ कैसी थी, जॉयज़ यानी खुशियाँ, होमली सिंपल, दे आर सिंपल जॉय, उनका उनको कोई बहुत बड़ी चीज़ों की आकांक्षा नहीं थी, दे डिड नॉट एस्पायर टू अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, कि उनको बहुत कुछ मिले, सिंपल जॉय थे उनके। डेस्टिनी ऑब्सक्योर, डेस्टिनी भाग्य, ऑब्सक्योर यानी
वैसे ऑब्सक्योर कहते हैं धुंधला, ऑब्सक्योर यानी अननोन, उनका जो भाग्य था या उनके तो जो जीवन थे, यहाँ डेस्टिनी से समझिए आप लाइफ, दे आर अननोन लाइफ, दे वर नॉट नोन टू दी, और वी कैन से दे वर नॉट नोन आउट ऑफ देयर विलेज, उनके गांव के बाहर शायद उन्हें कोई जानता भी नहीं था, बाकी उनके कंट्री में या वर्ल्ड में उनका कोई नाम नहीं था. पीपल ऑफ अदर विलेजेस और अदर रीजन्स वुड नॉट इवन नो दैट दीज पीपल सर्वाइव्ड. जो सिंपल लोग हैं कहाँ, उनके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या वो कब वो पैदा हुए, क्या उन्होंने किया और कैसे उनकी मृत्यु हो गई. तो दे हैड एन ऑब्स्क्योर डेस्टिनी, नॉर ग्रैंडियर हेयर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर. नो, अब यहाँ ये जो लाइन है, नॉर ग्रैंडियर हेयर विद अ डिसडेनफुल स्माइल, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन है. ग्रैंडियर होता है यानी भव्यता, तो भव्यता कहाँ होती है, बड़े बड़े जो महल हैं, बिग मैंशंस, पैलेसेस, दे लुक मैजेस्टिक, बहुत ही शानदार वो दिखते हैं. और उनमें रहता कौन है, ऑब्वियसली वेरी रिच एंड माइटी पीपल लिव देयर, किंग्स क्वींस के एम्परर्स के ये महल होते हैं. तो उनकी कहानी, अगर इन ये जो साधारण किसान हैं या मजदूर हैं, इनकी कहानी उनको सुनाई जाए तो दे विल लिसन विद अ डिसडेनफुल स्माइल. डिसडेनफुल कहते हैं हेटफुल, स्कॉर्नफुल, कि मतलब वो ऐसे सुनेंगे, अच्छा इनकी ये क्या कहानी है, इसमें क्या कहानी है, व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट इट, क्या करें ये पैदा हुए. दे एक रोज़ उनका रूटीन था, वो अपने जानवर चराने जाते थे या खेती करते थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. सो व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट देयर लाइफ. सो इफ़ द सिंपल स्टोरी ऑफ दीज पीपल हु वर फार्मर्स, लेबरर्स, हंटर, इट इज़ टोल्ड टू सम हाई एंड माइटी पर्सन, ही विल लिसन टू इट विद अ स्कॉर्नफुल स्माइल. इस तरह से वो सुनेंगे कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है, दे विल मेक फन ऑफ देम. द शॉर्ट एंड सिंपल, शॉर्ट माने छोटा, सिंपल आप जानते हैं, एनाल्स यानि स्टोरी ऑफ द पुअर, दीज पीपल वर पुअर, ये जो पुअर थे बेचारे, ये जो लोग थे, इनकी शॉर्ट एंड सिंपल जो कहानी है, इसको सुनकर किसी भी हाई एंड माइटी पर्सन को उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अपने आप में उन्होंने दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन देयर लाइफ, क्योंकि अब वो नहीं हैं, पर अगर जब तक वो थे, दे वर्कड फॉर देयर फैमिली एंड सोसाइटी. तो ये स्टैंजा नंबर 8 है, काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं बच्चों, इनको आप समझिएगा. नेक्स्ट स्टैंजा है स्टैंजा नंबर 9, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेयर्स अलाइक द इनएविटेबल आवर. अब इन लाइन्स में, इन दीज लाइन्स, द पोइट इज सेइंग दैट पीपल हु थिंक दे आर डूइंग ग्रेट थिंग्स इन लाइफ, ऐसे लोग जिनको ऐसा लगता है कि दे आर माइटी पावरफुल एंड रिच, और अब वो बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं जीवन में, और उनके पास बहुत कुछ है शानदार रहने के लिए, दे हैव फैबुलस हाउसेज, दे हैव एक्सपेंसिव क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, एंड दे हैव मैनी सर्वेंट्स अराउंड देम, एंड पीपल रेस्पेक्ट देम इन द सोसाइटी, दे हैव अ रेप्यूटेशन. लेकिन इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है. द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, बोस्ट होता है शेखी मारना, किसी चीज़ को बढ़ाकर पेश करना, दिखावा करना. तो वो अपना, उनको लगता है कि वी हैव ग्रेट नेम, हेराल्ड्री यानी डिस्टिंक्शन बिटवीन हाई एंड लो, उनको लगता है कि वी आर हाई एंड सो दे बोस्ट ऑफ देयर पोजीशन, अपनी पोजीशन के बारे में बहुत ऊंची बातें करते हैं लोग. एंड द पॉम्प ऑफ पावर, एंड दे शो ऑफ, पॉम्प मीन्स दिखावा करना, क्या दिखावा करते हैं, ऑफ पावर, दैट उनके पास शक्ति है, पोजीशन है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरे लोगों के जीवन में, बहुत अच्छा बुरा कुछ कर सकते हैं. और क्या है लोगों के पास, समटाइम्स पीपल आर प्राउड ऑफ ब्यूटी एंड ऑल दैट ब्यूटी, दे थिंक दैट अच्छा आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी गुड लुकिंग, इसका भी लोगों को घमंड हो जाता है. और क्या घमंड होता है, ऑल दैट वेल्थ, और अगर उनके पास धन है, इफ दे आर रिच दे फील प्राउड. इन सब चीज़ों का क्या है, एवर गिव वट एवर दीज थिंग्स, दे इफ दे हैव पावर, पोजिशन, मनी, ब्यूटी,
इन सब चीज़ों का क्या मतलब है? दे वेट अलाइक द इनएविटेबल आवर, इनएविटेबल, इनएविटेबल जिसको अवॉइड ना किया जा सके, जिससे बचा ना जा सके, तो आवर यानी समय, ऐसा समय जिससे बचा ना जा सके, तो वो कौन सा समय है जिससे कोई व्यक्ति नहीं बच सकता? वो समय है डेथ का, मृत्यु का। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, कितना भी धन हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन दे ऑल अवेट्स, वो सभी उनके जीवन में एक तरह से वो प्रतीक्षा होती है कि उस समय की, उस समय हर किसी के जीवन में आता है सूनर और लेटर, व्हेन दे ऑल डाई, जब उनकी मृत्यु होती है। तो ये जो मृत्यु है, इट इज़ द इनएविटेबल, दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। मृत्यु जो है वो इट इज़ एन इनएविटेबल ट्रुथ। वो एक जो है धनी व्यक्ति की भी होती है और गरीब की भी होती है। एवरीवन इज़ मॉर्टल इन दिस लाइफ, सो वेदर अ पर्सन इज high and mighty, has immense wealth and riches and is extremely beautiful, or the other person who does not have any of these advantages, they all meet death the same way. उन सबको मृत्यु प्राप्त होती है। कोई भी उनको benefit, कोई ऐसा advantage नहीं है कि जो धनी है उनको, उनके पास कोई ऐसा ऐसा कोई device है या ऐसा कोई benefit है जिससे उनको मृत्यु नहीं आए। नहीं, सभी को मृत्यु प्राप्त होती है। The paths of glory lead but to the grave. ये भी बहुत important line है बच्चों, इनको आप underline कर लीजिएगा। The paths of glory lead but to the grave. Path of glory. Path कहते हैं रास्ता, glory यानी गौरव। बहुत लोगों का यश होता है, यशगान होता है, बहुत उन्होंने कुछ अच्छा काम किया, पीपल अप्रिशिएट देम, दे सिंग सॉन्ग्स ऑफ देम, ऑफ देयर विक्ट्री। पहले युद्ध होते थे जो, तो जो किंग्स होते थे या सेनापति होते थे, तो उनके लिए बहुत से उनके गीत बनते थे ऑफ देयर विक्ट्री एंड ऑफ देयर ट्राइम्फ। बट what does it ultimately goes into, what is the ultimate result of it all, इसका क्या ultimate जो नतीजा है वो क्या है? It leads, कहाँ ले जाता है ये जो glory का रास्ता है, ये लेकर कहाँ जाता है? But to the grave, grave यानी कब्र, कब्र की तरफ ले जाता है। यानी कुछ भी हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से अच्छा, ऊँचे से ऊँचा भी प्राप्त कर लेते हैं, but our life ultimately ends into डेथ। मृत्यु जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दिस ट्रुथ। दिस मैसेज इज़ बीइंग कन्वेड बाय थॉमस ग्रे इन दीज लाइन्स। तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा बच्चों। ये स्टैंजा नंबर 9 हमारा पूरा हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।